हाँ जी बच्चे देखिए जरा ध्यान से, लेक्चर टू है ये वेक्टर का, है ना। और हम बात करेंगे बेटे, लेक्चर वन में मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया था, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम है उसको मैंने डीपली नहीं कराया, है ना। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन सभी के डेफिनेशंस पहले आपको क्लियर कर दूंगा, देन फिर इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब जीरो वेक्टर कैसे होता है, यूनिट वेक्टर, ये सब आपको अच्छे समझा देता हूँ, ठीक है जी। सॉरी, लेक्चर टू सबसे पहले मैंने लिखा है यार टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, ये हमने बताया था। ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है, वो भी आपको बताया था। अब बात करते हैं जीरो वेक्टर की या फिर नल वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। मतलब कि जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मींस ये आपका इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट भी यही हो जाए, यानी कि यही क्या हो जाए, टर्मिनल पॉइंट भी बन जाए, यानी कि कंसाइड कर जाए, कंसाइड का मिक्सअप हो जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है जी। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो वेक्टर इज जीरो। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो ही होगा। जैसे ये वेक्टर ए है, और इफ आई एम फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो ही आएगा। एंड इट कैन हैव एनी आर्बिट्री, आर्बिट्री मींस क्या होता है कि निश्चित, निश्चित मतलब हिंदी में अगर कुछ लोग समझना चाहते हैं, सो दैट विल बी निश्चित। सो निश्चित मींस फाइनाइट, या कह सकते हो फाइनाइट डायरेक्शन, एंड एनी लाइन एज इट्स लाइन ऑफ सपोर्ट, और कोई भी लाइन, एनी लाइन एज इट्स लाइन ऑफ सपोर्ट, कोई भी लाइन इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट बन सकती है, लेकिन हाँ इसकी एक निश्चित डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली वेक्टर की बनी जाएगी, कोई ना कोई डायरेक्शन बनी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वेक्टर को इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट आपको पता है एरो हेड से, सो इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली हमें पता लग जाएगी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अदरवाइज तो वेक्टर ही नहीं रहेगा यार, डायरेक्शन नहीं होगी तो, है तो जीरो वेक्टर, तो डायरेक्शन तो होगी होगी, एक फाइनल डायरेक्शन होगी। एंड एनी लाइन, कोई भी लाइन बन सकती है इसका लाइन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि ये जीरो वेक्टर है, इसकी कोई भी आप लाइन ले लो वो लाइन ऑफ सपोर्ट बन जाएगी इसकी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मैं आगे मूव करता हूं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है। ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, ये वाला यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होगा। यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स विद अ कैप ऑन देम, यूनिट वेक्टर्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, कैप। कैप मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था पहले भी, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है इसका, कि मैंने क्लास में एक स्टूडेंट से बोला था, प्लस वन के बच्चे को बोला था कि भाई कैप लगा ले, वो हुड नहीं आती, हुड लगा ली थी उसने इस तरीके से। सो जब उसने ये कैप लगाया तो फिर वो यूनिट वेक्टर बन गया। मीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, स्मॉल लेटर से नोट किया जाता है, उसको पहले बताया हुआ, और इस वेक्टर ए को ध्यान से देखिएगा, इस वेक्टर ए को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो ये एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड से तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अरे भाई, किसी की जो किसी पर्सन का वेट अगर 70 केजी है, उसको 70 केजी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बचेगा, वन बचेगा, यानी कि ए कैप बचेगा, यानी कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। मेरी बात समझ आ रही होगी भाई, है ना। सो दैट इज ए यूनिट वेक्टर, और उसको डिनोट किससे करते हैं, कैप से। ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स विद अ कैप ऑन देम, और उनके ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है, कैप। कैप विल लुक लाइक दिस, ठीक है जी, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। आगे बेटे, दस ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए का। अगर मैं बी कैप की बात करूंगा, सो बी कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, तो बी कैप किसका यूनिट वेक्टर बनेगा, बी वेक्टर का, ओके। सो इस तरीके से, वेयर ए कैप होल मॉडुलस इज इक्वल टू वन, मतलब कि ए कैप का अगर आप मॉड फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू वन। मेरी बातें समझ आ रही होंगी, पॉइंट बहुत छोटे छोटे से हैं। ये वाला पॉइंट भी देख लो भाई, इन द वेक्टर ए, देखो बेटे मैं पहले इसीलिए लिख लेता हूं कई बार की कोई छोटा छोटा पॉइंट मिस ना हो जाए, कई बार सारी बातें माइंड में नहीं आती है तो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसके मैं ऑलरेडी पहले से लिख लेता हूं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इसके नोट्स जरूर बना देना आपको, ठीक है। इफ द वेक्टर ए
इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मॉडलिंग, इसको हम डिनोट करते हैं, देन वी गेट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली हुई यहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कि जो भी आप फाइंड आउट करके लाओगे यहां पे, वो जो यूनिट वेक्टर ये आया इसकी डायरेक्शन तो होगी, है तो यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वन है लेकिन डायरेक्शन तो होगी. डायरेक्शन किधर होगी? जिधर ए की डायरेक्शन है. ध्यान रखिएगा ये ज्यादा इधर यूज होता है, बहुत ज्यादा, इसको ध्यान में रखिएगा. देन वी गेट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स की. टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि है. ये लीजिए बेटे, एक ये वेक्टर है और एक और मैं वेक्टर ले लेता हूं, है ना, ये दो वेक्टर्स हैं. सो दोनों की डायरेक्शन देख सकते हो आप, अपोजिट है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो इनके. थोड़ा मैं बड़ा लेंथी बना देता हूं इसको या छोटा कर देता हूं, ये ठीक है. सही है. टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ जाएगा कि सेम सपोर्ट हो या फिर पैरेलल सपोर्ट हो. सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट का मतलब यहां क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि सेम सपोर्ट का मीनिंग क्या है यहां. सेम सपोर्ट किसको कहना चाहता हूं, सेम सपोर्ट का मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा. हर एक वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है, और दैट लाइन विल बी द लाइन ऑफ सपोर्ट. उसने कहा कि इफ दे हैव द सेम सपोर्ट, अगर उनका सपोर्ट जो है, लाइन ऑफ सपोर्ट की ही बात कर रहा है, वो या तो सेम हो, है ना भाई, ध्यान से समझिएगा, सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, या फिर वो पैरेलल हो. यानी कि ये अगर इनिशियल पॉइंट है और ये दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, और ये सपोर्ट इसका और इसका दोनों का क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना. सेम भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर भी लाई कर सकता है, इसके ऊपर भी, है ना, ठीक है, ठीक है. इफ दे हैव द सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल वेक्टर्स में हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स. पैरेलल वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल. जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है. डायरेक्शन में भी सेम और अपोजिट, डायरेक्शन भी सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है. ये आप देख सकते हो, यहां डायरेक्शन सेम जरूर है, मैग्नीट्यूड अलग है, या डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है. किसी केस में क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी सेम हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है, फिर तो लोग इसको इक्वल वेक्टर भी बोल देते हैं. तो जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं. तो यहां से एक आपको पॉइंट क्लियर हो जाता है. सो ये मैंने पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात की है. ओके, सो आगे मैं बात करूंगा इसके बाद, कोलिनियर वेक्टर्स आएंगे, फिर कोलिनियर वेक्टर से आपको पता लग जाएगा कि जितने भी कोलिनियर वेक्टर हैं सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है जी. कोई इसमें एग्जांपल मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा हो, इसके ज्यादा मैं क्या समझाऊं इसमें, ठीक है. तो आपको डायग्राम मैंने यहां दिखा दिया, इससे ज्यादा और क्या बताया जाए इसमें, है ना. एक और ले लो भी, ये सभी तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है. इसको ए ले लो, ओ बी ले लो, मतलब कुछ भी, ए बी ले लो, बी सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, ये सी भी है, ठीक है जी. चलिए आगे मूव करते हैं. सो ये पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हमने बात कर लिया, और फिर बेटे हम बात करेंगे लाइक अनलाइक, जो लास्ट लेक्चर में मैंने सब लिखे थे वो आज सारे डिस्कस करूंगा मैं अच्छे से. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे. मैंने पैरेलल वेक्टर्स अभी आपको समझाया था, और आफ्टर पैरेलल वेक्टर्स वी आर मूविंग ऑन लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, है ना. देखो बेटे, पैरेलल वेक्टर का ही एक हिसाब से एक टाइप हो गया, ये पैरेलल वेक्टर्स का ही बेटा है आगे, ये है ना, लाइक और अनलाइक दो बेटे हैं उसके पैरेलल वेक्टर्स के. देखो बेटे, दो पैरेलल वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, मतलब ये आपका एक पैरेलल वेक्टर है ना, और एक और पैरेलल वेक्टर है ये, इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, ठीक है. सो वी कॉल इट लाइक वेक्टर्स, ठीक है, हम इनको लाइक वेक्टर्स बुलाएंगे, ठीक है. बड़ा सिंपल सा है, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं और सेम डायरेक्शन में अगर है तो वो लाइक वेक्टर्स होंगे, और टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स. मान लीजिए एक हमारा ये वेक्टर है ना, और एक हमारा ये वेक्टर है, देखिए ध्यान से, ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट जरूर है लेकिन दे बोथ आर पैरेलल, सो वी कॉल इट अनलाइक वेक्टर्स. हम इनको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर. बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, है ना, सब आपको धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे.
है ना, सो दे आर अनलाइक वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन. यूनिट वेक्टर के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो कोलिनियर वेक्टर्स है. वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर एंड हैविंग आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन. देखिए बेटे बड़ी सिंपल सी बात बोली है इसने, वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर. देखिए ये एक वेक्टर ये जिसको मैंने बना दिया ओ ए बोला, ये ओ ए है, और वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर, इसी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर है ये, और उसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम. तो ये ओ बी वेक्टर है ना, इनिशियल पॉइंट दोनों का वो है और लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम होना चाहिए, मतलब ये इस तरीके से. सो ये जो आप वेक्टर देख रहे हो ये ओ से स्टार्ट कर रहा है और बी की तरफ जा रहा है, सो दैट इज ओ बी वेक्टर. वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर, इसके पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल तो है ही है, लेकिन पैरेलल तो ये भी है, लेकिन ये पैरेलल ऐसा है कि इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम नहीं है. मैं वही कह रहा हूँ कि सेम वेक्टर एंड हैविंग आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन, इनिशियल या फिर टर्मिनल भी हो सकता है, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये भी कॉमन हो सकता है यहां से. ओके ठीक है जी, और इधर से भी आप एक और वेक्टर और डिनोट कर सकते हो, ये देख सकते हो आप, मैं किसी और पेंसिल डिनोट कर देता हूँ इसको, ये जिसको कि आप ओसी वेक्टर बोलते हो. तो यहां से हमें पॉइंट क्लियर हो गया, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर एंड हैव आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन, सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है जी, तो यहां से एक ओए वेक्टर हो गया ये वाला जिसको वेक्टर ए बोलते हैं, एक ओबी हो गया और एक ओसी वेक्टर हो गया, यानी कि तीनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, देखिए बेटे यहाँ कोलिनियर वेक्टर्स में एक और पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा. वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन और आर पैरेलल और एंटी पैरेलल. ठीक है, सिंस देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट वी कैन फाइंड सम स्केलर लैम्डा. मान लीजिए एक लैम्डा, मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला कि वैक्टर ए और वैक्टर बी जो है वो कोलिनियर वैक्टर्स है, दैट इज वैक्टर ए. ओके, और हो सकता है वेक्टर बी ये हो, है ना. सो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और लैम्डा इज अ स्केलर. ओके, ऑब्वियसली वेक्टर ए जो है वो कुछ इसका लैम्डा टाइम्स होगा, है ना, बी का. तो यहां से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें मुझे ज्यादा बताने की नीड नहीं है. इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है. अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ऑब्वियसली आपको आइडिया लग रहा है कि यहां से लैम्डा क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो ये कंडीशन है, ये मैंने अभी आपको करा दिया, कोलिनियरिटी की कंडीशन है. कोलिनियर की किन कंडीशन बन जाती है, जैसे मान लीजिए तीन पॉइंट कोलिनियर है, मान लीजिए, और उनके पोजिशन वैक्टर्स हमें गिवन है. मान लीजिए एक पॉइंट ए है, बी, और एक कौन सा पॉइंट है, बी सी. ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी हमें गिवन है. और यहां से हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. वी ऑल नो दैट ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का जो सम होगा वो ए सी वेक्टर के इक्वल होगा. कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, बिल्कुल सही होगा. अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ये कंडीशन होगी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर. ये कंडीशन हमने आपको अभी बताई है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है. चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स आपको समझा गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट बेटे मैंने यहां लिखा है को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स बेटे अभी 9 पॉइंट्स ये करा दिए मैंने, 9 टाइप्स करा दिए, इसके बाद फिर मैं आगे और मूव करूंगा. ठीक है जी, एक दो पॉइंट और भी मैं कराने वाला हूँ आपको. ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मैंने बोला है कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो को इनिशियल वेक्टर. देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको सब समझा रहा होगा, है ना. चलिए आगे डिस्कस करें. देखिए मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से ये ए की तरफ एक वेक्टर निकल रहा है जिसको हम वेक्टर ए बोल रहे हैं. ये बी पॉइंट है, ओ से ये ओ है ना, इसको हम बी वेक्टर बोलेंगे. इस ओ से सी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है, सी वेक्टर है. यहां से डी की तरफ एक जा रहा है, इसको हम डी वेक्टर बोलेंगे. तो इस तरीके से हमारे कितने पॉइंट्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं. इनिशियल पॉइंट सभी का सेम, चाहे वो ओए हो, चाहे वो ओ बी क्यों ना हो, चाहे वो ओ सी है, चाहे वो ओडी है, इन सभी का इनिशियल पॉइंट्स क्या है, सेम है. वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स. तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे मूव करते हैं.
नेक्स्ट आपका है फ्री वेक्टर्स। हाँ, ये एक बच्चे ने डाउट पूछा था, सुहेश एक बच्चा है, उसने मुझसे ये डाउट पूछा था कि सर मुझे फ्री वेक्टर समझ नहीं आया। मैं अभी उसका डाउट क्लियर कर देता हूं। यहां बैठे लिख लीजिए ओ वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर एंड ओ डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर्स हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। हाँ जी, ये जिस बच्चे का डाउट है सुरेश का, उसका मैं क्लियर करता हूं। देखो, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, देखो कितनी सिंपल सी बात है यार, जिसका इनिशियल पॉइंट हमें पता ही नहीं है, है ना, वो कैसे वेक्टर्स हैं? फ्री वेक्टर हैं। जैसे ऊपर आप देख लो भाई, इनिशियल पॉइंट आपको पता है ना, ऊपर क्या इनिशियल पॉइंट है सभी का, ओ है, तो उसका इनिशियल पॉइंट ही नहीं स्पेसिफाइड है ना, मुझे पता है, तो ये फ्री वेक्टर हो गया ना। इसमें डाउट देख लो, बनता तो है वैसे, तो ये ए, ये आपका बी, है ना, इनिशियल पॉइंट ही नहीं मुझे क्लियर है, कौन सा इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है जी। हाँ जी, ये सी डी एक वेक्टर है, तो हमें नहीं पता कि इनका इनिशियल पॉइंट्स क्या है, सो दे आर फ्री वेक्टर्स। बड़े आगे भाई, यहां पर डाउट तो नहीं बन रहा। अच्छा, अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं ऐसे इस तरीके से, तो मुझे इनिशियल पॉइंट पता लग गया क्या? नहीं ना। हाँ, ये बेटे, अगर मैं एरो डिनोट ये इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे इनिशियल पॉइंट पता है, हो सकता है किधर से आ रहा है, मुझे नहीं पता इसका, ठीक है जी। ये थोड़ा ये लाइन को इस तरीके से डॉट डॉट कर सकते हो, यानी कि हमें इनिशियल पॉइंट इसका पता नहीं है, दे आर फ्री वेक्टर्स, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, इसमें एरो लगाने की भी नीड नहीं है, आपको इसका इनिशियल पॉइंट नहीं पता, बस आगे बढ़ते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर, ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बट थ्रू अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पॉइंट एज अ इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब कि आपने क्या करना है कि एक वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर ले लेना है। जैसे कि मैं अभी बात करता हूं, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये ए बी वेक्टर है, इसका मुझे ये पता है कि ये वेक्टर ए है। इसी वेक्टर को यहां से उठा के मैं पैरेलली यहां के ले आता हूं, ठीक है जी, और ये सी और डी, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर बोल देंगे। कौन सा वेक्टर है भाई? लोकलाइज्ड वेक्टर है, यानी कि आपने लोकेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन एक स्पेसिफाइड पॉइंट से आपने इसको ड्रॉ किया है। सो ये कैसा वेक्टर बन गया भाई? लोकलाइज्ड वेक्टर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, देयर लाइन ऑफ सपोर्ट मे बी पैरेलल और कंसिडेंट, ठीक है जी। मतलब कि उनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल भी हो सकता है, कंसाइड भी कर सकता है। तो इसको समझो, दो वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहते हैं? अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम कर दोगे, ज्यादा इसमें आई थिंक ये स्पेस जो नीचे बचा हुआ है ये आपको विजिबल है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो यही दो वेक्टर ले लो, चलो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए भाई, ये लो भाई, है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया। दूसरा, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड लगाए और नहीं लगाए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो ये छोटा सा पॉइंट है। और लाइन ऑफ सपोर्ट, हाँ लाइन ऑफ सपोर्ट जरूरी नहीं कि कंसाइड करे, लाइन ऑफ सपोर्ट हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, हो सकता है ना करें, तो ओवरलैप कर जाएंगे तो कोलिनियर वेक्टर्स भी बन जाते हैं आपके, है ना, ओवरलैप नहीं करते हैं कोई इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए देखिए बेटे, मैं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, टू पैरेलल वेक्टर्स और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। देखो भाई, दो की बात हम करते हैं अगर, जैसे कहते हैं ना, दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन तो पास करेगी करेगी, है ना, तो वही बात है यहाँ कि दो पैरेलल वेक्टर्स या फिर तीन पॉइंट से सर्कल हम बना सकते हैं, यानी कि थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक, वैसे ही यहां भी है, टू पैरेलल वेक्टर्स और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, यहां तो दो पैरेलल वेक्टर्स हो, है ना, या फिर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो, वो हमेशा ही एक प्लेन में होते हैं, यानी कि कोप्लेनर होते हैं। और टू वेक्टर्स ए एंड बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिटरमिन यूनिक प्लेन इन स्पेस। देखिए बेटे, बड़ी अच्छी बात बोली है ना यहां इसके बाद में, और टू वेक्टर्स ए एंड बी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, डिटरमिन यूनिक प्लेन इन स्पेस, एक यूनिक प्लेन जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं ये दोनों, है ना, इनसे एक डिटरमिन यूनिक प्लेन, एक अलग प्लेन ही बन जाता है इनसे। प्लेन समझ रहे हो गए आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं। अब बात करते हैं थ्री वेक्टर्स की। जैसे मैं यहां एक प्लेन पहले से ले लेता हूं, ये प्लेन है हमारा, और इस प्लेन में थ्री वेक्टर्स हैं, ए बी सी, है ना, प्लेन कैसा भी हो सकता है ये, है ना,
और एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, मैं पहले बता चुका हूं आपको वेक्टर सी, ठीक है जी। कोई जरूरी नहीं है पैरेलल ही हो, ये कोई जरूरी नहीं, मैंने बना दिया समिट, पैरेलल कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। तो ये तीन वेक्टर्स मैंने जो अभी आपके सामने ड्रॉ किए हैं, ये तीनों ही कैसे हैं, कोप्लेनर्स है, ठीक है। वेक्टर सी लाइज इन द, अगर मान लीजिए ए और बी ने एक प्लेन बनाया ये, और उस प्लेन के ऊपर सी वेक्टर भी लाई कर गया, सी वेक्टर भी क्या कर गया, लाई कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो सी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ये तीनों ही क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि बॉक्स एबीसी जो होगा, कोप्लेनर की कंडीशन है बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में मैं कराऊंगा, बट अभी थोड़ा सा जिन बच्चों ने पहले से थोड़ा बहुत उनको आइडिया है तो उनको अभी समझा देता हूं। देखिए भाई, पहले बात करता हूं बी और सी की। देखिए बेटे, बी और सी वेक्टर दो हैं, ये रहा बी वेक्टर और ये है सी, और इन दोनों से एक प्लेन बनता है, वो आपके सामने है। तो बी क्रॉस सी अगर आप करोगे, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन अगर मैं थोड़ा कर लेता हूं चेंज, हाँ ये देखो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। इफ समबडी इज आस्किंग बी क्रॉस सी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। आप मेरा थंब देखिए, बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है ये थंब, है ना, आपकी तरफ ये थंब आ रहा है, यानी कि ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये डायरेक्शन किसका है, बी क्रॉस सी का है। ये मतलब इस प्लेन जो बी और सी ने जो प्लेन बनाया, उसके जो परपेंडिकुलर है वो है बी क्रॉस सी, और इस बी क्रॉस सी का अगर डॉट ए के साथ मैं जीरो कर दूं, डॉट का मतलब है कि बी क्रॉस सी जो है वो ए के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि ये मान लो यहां कहीं ए घूम रहा है इस प्लेन में, ए कहीं ऐसे घूम सकता है इस तरीके से, और बी क्रॉस सी के ये क्या है, परपेंडिकुलर है आपके सामने। तो ए अगर, ए का डॉट अगर मैं बी क्रॉस सी के साथ कर दूं वो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ए बी सी क्या है, तीनों के तीनों प्लेन के ऊपर है, यानी कि ये कंडीशन जो है आपकी यहां से एप्लीकेबल है, कोप्लेनर की कंडीशन है। इसको याद रखिएगा, आगे चल के काम आएंगे, बॉक्स ए बी सी में आगे कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। ट्रिपल इसलिए क्योंकि थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, और स्केलर इसलिए क्योंकि डॉट है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसका जो आंसर आता है वो आता है वेक्टर ए डॉट सी इंटू बी, ध्यान रखिएगा, माइनस वेक्टर ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, इंटू है ये, डॉट नहीं है, स्केलर के साथ कभी डॉट नहीं होता, ये स्केलर आएगा, स्केलर के साथ वेक्टर कभी डॉट नहीं करता, वो मल्टीप्लाई करता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना अच्छे से कर लो यार, है ना। तो मोर देन टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर अगर वो तीनों के तीनों क्या हो, प्लेन में हो। सो दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख देता हूं, जो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, मान लीजिए वो कोप्लेनर नहीं है, मैं यहां लिखने जा रहा हूं थ्री, ये बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब आर स्पेस, ये ध्यान रखिएगा, स्पेस आपको पता है थ्री डायमेंशन में होता है। सो ये तीनों ही क्या डिस्क्राइब करेंगे, स्पेस डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपको नहीं समझा रहा तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके सामने, ये देखिए थ्री डायमेंशन में मान लीजिए ये आई और ये जे है, और ये आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है, तो ऑब्वियसली एक स्पेस फॉर्म हो रहा है। ये तीनों कोप्लेनर तो नहीं है, है ना, तीनों नॉन कोप्लेनर है ना। सो यहां से हमें पता लग गया, सो दे डिस्क्राइब अ स्पेस। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए बच्चे, कोप्लेनर भी हो गया हमारा, कोलिनियर वैक्टर्स, नॉन कोलिनियर, लाइक अनलाइक, पैरेलल वैक्टर्स हो गए, इक्वल वैक्टर्स हो गए। हाँ जी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर छोटा सा पॉइंट है, वैसे लोगों को आता ही है पहले से, मैं यही छोटा सा बता देता हूँ, मैं नेक्स्ट पॉइंट नहीं लिखूंगा, उसको टाइप नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे बता देता हूँ, दैट इज नॉट टाइप। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। जैसे ये वेक्टर ए है, ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा, माइनस ए होगा, बस सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें घुमा फिर आगे कुछ नहीं है, और ये आपको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर समझा गया। जब नेगेटिव समझा गया तो आगे आपको सारे लॉ कानून समझ आ जाएंगे, जब नेगेटिव समझा गया तो आगे कानून आपके लिए सारे इजी हो जाएंगे। कोनिशियल इक्वल वेक्टर सब हो गया जी, नेगेटिव वेक्टर्स हो गया, पैरेलल वेक्टर लाइक अनलाइक हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए, कोप्लेनर भी हो गया। अब मैं यहां हेडिंग डालूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है जी। चलिए देखिए भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यहां आपका
ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। हाँ जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चलिए मैं यही करा देता हूं बेटे, मैं इसको रेज क्या कर रहा हूं, यही करा देता हूं। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ जी, दो वेक्टर्स मैं ले लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ट्रायंगल लॉ तो आपको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये ए बी है और ये आपका एक वेक्टर है बी सी, हो सकता है ये साइड है, इसको इधर भी ला सकते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर पता है ना आप लोगों को, उसी वेक्टर को इधर भी मूव करा सकते हैं, डायरेक्शन उसकी नहीं चेंज कर रहे ना, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, वेक्टर इज वेक्टर है, इसको कहीं भी ले जा सकते हो। ये जो आप रेड वाला देख रहे हो, ये इन दोनों का एडिशन होगा, यानी कि यहां से आएगा ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी कि इन दोनों का अगर मैं ऐड कर देता हूं AB plus BC, that will be AC vector. और that is very easy concept. और इसको ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, वैक्टर AB simply means the displacement from point A to point B. ठीक है जी, मान लीजिए ये आपका displacement हुआ है, A से B आपका displacement हुआ है, कोई person move किया है मान लो A से B, और from B to C, फिर B से C गया, तो net displacement कितना हुआ उसको आएगा, यानी कि displacement तो होता है initial point and final point, इन दोनों को आप मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है ये, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट है ना। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा, तो एसी वेक्टर यहां से आपको क्लियर हो गया है। चलिए, कोई भी, जैसे कई बार मैं बता रहा था कि लोकलाइज्ड कैसे करना है वेक्टर्स को, वो भी देख लो। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर ए, और बी वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है बच्चे, तो इस बी वेक्टर को मैं उठा के यहां ला सकता हूं, है ना, इस बी वेक्टर को यहां रख दिया मैंने, यहां ये, तो ये जो वेक्टर आएगा दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है जी, सो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आगे आपको समझ आते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इधर बात करूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं इतना ही डिस्टेंस, तो दैट विल बी माइनस बी वेक्टर, ओके, सो दैट इज वेक्टर ए, दैट इज माइनस बी, व्हाट इज दिस वन, इन दोनों का एडिशन, यानी कि ये आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ट्रायंगल लॉ हम इसे बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। और यहां से आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर होते चले जा रहे हैं, और फिर हम आगे मूव करेंगे, और ठीक है, दैट्स इनफ है ना। चलिए, देखिए बेटे, मैंने इरेज कर दिया सर, एक मैंने आपको ट्रायंगल लॉ कराया था, वो फिर दोबारा से मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और एक मैंने कराया है, कौन सा लॉ कराया अभी, दूसरा, सेकंड कराऊंगा मैं अभी आपको, पॉलीगन लॉ। तो ट्रायंगल लॉ तो वैसे ही बड़ा सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए बी एंड दैट विल बी बी सी है, एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वन, दैट इज ए सी वैक्टर है ना, और हम जानते हैं ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यही है ना। क्या बेटे इस एसी वेक्टर को, जिसको आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा इसको, क्या इस एसी वेक्टर को अगर मैं यहां इस साइड ले आता हूं, तो आ जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, और माइनस का साइन अगर मुझे हटाना है तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस, मेरी बात समझ गए होगे, ठीक है जी, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इनिशियल टर्मिनल को चेंज कर दिया मैंने, है ना, इक्वल टू जीरो, यानी कि ये भी लॉ यहां से बन जाता है कि ट्रायंगल्स के मतलब कि सभी साइड्स को अगर ऐसे इस तरीके से हम चलते चल जाए, ए बी बी सी और फिर सी ए, इन सभी का जो सम आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ये ट्रायंगल लॉ है। मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है, अगर वो पूछे हमसे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बन जाएगा कि अगर वो तीनों वैक्टर्स दे रहे, थ्री वैक्टर्स, वो कहे कि इनसे क्या ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अगर वो ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली इन सभी का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, तो भाई वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में मैं एक लास्ट आपको करा देता हूं, 30 मिनट से ज्यादा हो गया लेक्चर, ये पॉलीगन लॉ आपको करा देते हैं, और फिर यहां से कंप्लीट होता है ये लेक्चर, है ना, यही मैं लिख देता हूं, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। चलिए, अब स्पेस ज्यादा है हमारे पास, हम अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, पॉलीगन लॉ, पॉली मीन्स बहुत, गॉन मीन्स साइड्स, ठीक है, बहुत साइड्स वाला, ठीक है, ट्रायंगल एक आल्सो, ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर क्या होता है, हाँ जी, पेंटागन, हेक्सागन,
है ना, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन एंड टेट्रागन, तो हमें पता है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन करते हैं। तो पॉलीगन लॉ बड़ा सिंपल है भाई, वेक्टर्स को ऐड करते चले जाना है। ध्यान से देखिएगा कैसे वेक्टर्स को ऐड करना है, बड़ा सिंपल सा। मैं एक पॉइंट यहां से ले रहा हूं यार, ध्यान से देखना, ये ओ पॉइंट है और ये मेरा एक वेक्टर है ओ ए वन, ठीक है जी। इसको मैंने क्या बोला भाई, ओ ए वन। ऐसे ही ए वन ए टू एक और वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना भाई, ये इस तरीके से मिल जाएगा ये, सॉरी चलो कोई नहीं, इतना स्पेस बहुत है मान लिया। ए वन ए टू दिख रहा है भाई, ए वन ए टू आ गया। ऐसे ही हम एक और वेक्टर ले लेंगे ए टू ए थ्री, है ना, ए थ्री की तरह मैं मूव करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ए टू ए थ्री ये, और फिर ऐसे ही मैं नीचे की तरफ आऊंगा, ध्यान से देखना भाई, समझा रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कि साइड पॉलीगन ही बन रहा है, हाँ जी, ये देखिए थोड़ा और ग्रेटर में ले लेते हैं उससे ज्यादा, ठीक है। सो दैट विल लुक लाइक दिस, सो ए थ्री ए फोर, है ना, ए थ्री ए फोर ले लो या जो मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, है ना, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और यहां से फिर बेटे मैं यहाँ डॉट डॉट कर देता हूँ, मतलब ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा, मेरा कहने का मीन्स ये है। और यहां मैं ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, यहाँ लास्ट में क्या आएगा, यहां ले लेता हूं मैं ए एन, ए एन ले लो, हाँ ठीक रहेगा ए एन, और ए एन को फिर मैं जोड़ूंगा ए एन माइनस वन के साथ, सही रहेगा, हाँ ये ए एन है और ए एन को मैं ऐड करूंगा इधर, ये है ए एन माइनस वन, ठीक है, ये सही, समझ आ गया होगा आपको, है ना। यानी कि ये चल रहा है ऐसे ओ ए वन, ए वन ए टू, ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर, और फिर ए फोर के आगे कौन आने वाला है, ए फाइव आएगा, है ना, ए फाइव ए सिक्स ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और फिर मैंने इधर से ओ के साथ लास्ट पॉइंट को जोड़ दिया, लास्ट मीन्स ए एन को, एनथ, है ना, एनथ वर्टेक्स को, है ना। चलिए जोड़िए इनको सभी को और फिर देखिए क्या आता है हमारा लास्ट में, आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर तो ये वाला है हमारा भाई, ये वाला ब्लैक वाला, ब्लैक तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया था, वो ये वाला आंसर बताता हूँ मैं कैसे। देखिए बेटे ओ ए वन प्लस इनिशियल प्लस टर्मिनल हेड, हेड को फिर इधर से जोड़ दिया, ए वन ए टू प्लस, बोलो भाई ए टू ए थ्री वेक्टर प्लस, बोलिए ए थ्री ए फोर प्लस, बोलिए ए फोर, अरे एक और लिख देता हूं मैं ए फोर ए फाइव प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, सोचो लास्ट वाला क्या आने वाला है, यहां ए फोर जैसे ए एन माइनस वन है ये, सो लास्ट में आएगा आपका, जैसे ये फोर है ये ए फाइव है, हाँ जी ये इधर से नहीं आएगा, हाँ ये इधर, ठीक है, तो आएगा ए एन माइनस वन ए एन, ये आ गया। इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, सोचिए इन सभी का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा भाई, ये सॉरी बेटे मैंने ये गलती की थी, हाँ ये मैंने डायरेक्शन इधर चेंज कर दिया इसका, इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, देखे ये क्या है, टेन हेड टेन हेड टेन हेड टेन हेड टेन हेड, है ना, फिर टेन हेड, और सभी का रिजल्टेंट यहां से इनिशियल से जहां से शुरू किया था और फाइनल पॉइंट तक, ये इन सभी का रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी कि ओ ए एन वेक्टर, और ये हम लॉ बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। चलिए बेटे ये आपको समझ आ गया होगा, और फिर इसके बाद में पॉलीगन लॉ से हम कुछ और पॉइंट्स आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये छोटी छोटी बातें आपको समझा रही होंगी। ओके बेटे, थैंक यू।